विज्ञान ने आज के वक्त में बहुत तरक्की की है और भविष्य में भी और आगे बढ़ेगा। विज्ञान को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने ज़िंदगी समर्पित कर दिया है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट और आविष्कार में। कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब होते हैं और कुछ नहीं होते। कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ही डरावने और ख़तरनाक है, जिन्हें लोगों से छुपा दिया जाता है। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी खतरनाक और रहस्यमय एक्सपेरिमेंट किया है। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। जोहान कॉनराड डिपल, वे एक चिकित्सक, एल्केमिस्ट और धर्मशास्त्री थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गिजान से थियोलॉजी के ऊपर 1693 में मास्टर्स डिग्री लिया था। उनका घर फ्रैंकिस्टाइन कस्टल के आसपास था। माना जाता है कि उसकी अजीबोगरीब थ्योरीज के ऊपर वो हमेशा विवादों में रहता था। चिकित्सा और एल्केमी के छात्र होने के कारण फ्रैंकिस्टाइन कस्टल के पास में ही एक लेबोरेटरी स्थापन किया था, जहां पर माना जाता है कि वे इंसानों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था। कहा जाता है कि उसका ईगर नाम के एक असिस्टेंट भी था जो कमर से कुबड़ा था। डिपल्स अपने ज़्यादा वक्त एल्केमी या किमिया के प्रयोग करके बिताता था। एल्केमी या किमिया एक प्रकार के प्राचीन दर्शन था जिसमें धातुओं को सोने में और इंसानों की दीर्घायु होने के लिए अमृत का निर्माण करने का प्रयोग करते हैं। डिपल्स को भी अमर होने की संभावना से काफ़ी प्रभावित था। कहते हैं कि डिपल जानवर और मृत इंसानों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था और निर्जीव शरीर पर जान डालने का प्रयास करता था, जहां पर वे बीमार इंसानों की आत्मा को फनल की मदद से दूसरे शरीर पर डालने की एक्सपेरिमेंट करता था। डिपल ने कुछ एक बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके कारण उसे शहर छोड़ के जाना पड़ा था। कुछ डाटाबेस में ऐसा भी लिखा है कि डिपल ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी तेल का आविष्कार किया था जो लोगों को 135 साल तक जिंदा रखा जा सकता है। इसे डिपल्स ऑयल कहते हैं। कहते हैं कि उसने ये ऑयल बनाने के लिए जानवर की हड्डी और अंगों का इस्तेमाल किया था। ये भी मानते हैं कि मशहूर फ्रैंकस्टाइन नोवेल का कैरेक्टर डिपल की ज़िंदगी पर ही आधारित था। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।